नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में एक माह पहले एक कबाड़ में हुए भीषण विस्फोट के मुख्य आरोपी पर जबलपुर आईजी ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। खजरी खिरिया के ग्राम जांटी में स्थित कबाड़ का व्यवसाय करने वाले शमीम कबाड़ी के कबाड़ खाने 25 अप्रैल को भीषण विस्फोट हो गया था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कबाड़ खाना ध्वस्त हो गया था और आसपास की काफी इमारतें हिलने लगी थी। घटना के बाद से आरोपी शमीम कबाड़ी फरार है, पुलिस उसे लगातार तलाश कर रही है। जिला प्रशासन ने शनिवार की शाम शमीम कबाड़ी के 5,000 वर्ग फुट भूमि पर लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए गए गोदाम को जमींदोज कर दिया। अपराध क्रमांक 513/2024, धारा 304, 120 बी, भादवी व 35 विस्फोट पदार्थ अधिनियम में दिनांक 25 अप्रैल 2024 को हाजी शमीम कबाड़ी के राजुल सिटी के सामने कटनी रोड खजरी में कबाड़ वेयर हाउस में विस्फोट होने की घटना में आरोपी शमीम घटना वाले दिन से फरार है। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए फरार आरोपी शमीम पर पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर अनिल सिंह कुशवाहा ने 30,000 रुपए के नगद पुरस्कार की उद्घोषणा की। इधर जिला प्रशासन ने आरोपी का वेयर हाउस तोड़ने का ये कारण बताया है कि उसमें दरारें आ गई हैं और इमारत पूरी जर्जर हो गई है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जैसा कि पहले से ही पता है कि पिछले महीने यहाँ पे जो विस्फोट हुआ था उसमें इस मकान में दरार आ गया था। इसकी पुष्टि जो है नगर निगम की भवन टीम PWD एवं अन्य जो संबंधित विभाग है उनने करी थी। इसमें एक जांच की गई थी जिसमें कि इस भवन में काफ़ी जर्जर हो गया था जो रहने लायक नहीं था। इसमें भविष्य में जान माल या और इस तरह की कुछ खतरा इसकी संभावना थी। इस कारण इसे जो है नगर निगम जिला प्रशासन की टीम के द्वारा इसे गिराया जा रहा है। पूरा डिसमेंटल करेंगे इसमें? हाँ, क्योंकि ये पूरा भवन जर्जर हो चुका है, दरारें आ गई नीचे, इस कारण से इसे गिराया जा रहा है। दीपक पटेल, तहसीलदार आधारता। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।